मतलब फील गुड करना बहुत ज़रूरी है। मतलब फील मतलब आपको फील गुड करना, जो अट्रैक्शन की बुक में बोला गया था कि फील गुड करना कितना ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब मैं आज अपनी लाइफ में देख पाता हूँ, ये कर पाता हूँ कि यार मैंने कभी भी मतलब शेयर मार्केट से 50,000 का प्रॉफिट नहीं देखा था, पर अब देख चुका हूँ मैं 50,000 का प्रॉफिट भी। उसका कारण है कि एक मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, इसी वजह से ये सब हो रहा है। कारण क्या है कि फील गुड करना बहुत ज़रूरी है यार दिने, सही में कसम से। ये लाइफ जो है ना, इसमें आपको एक ही रूल मिलता है, फील गुड। फील गुड लोग बोलते हैं अरे फील गुड कैसे कर लूँगा मैं, मेरे को तो फील गुड नहीं हो रहा है, बुरा ही हो रहा है। तो लेकिन फील गुड करो, कोशिश करो, अच्छी जगह पे जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, जिस चीज़ से आपको फील गुड होता है वो करो। मैं कह रहा हूँ ना, दुनिया की सारी लग्जरी, सारे पैसे, सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ आपके पास अपने आप ही आने लगता है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना हार्ड वर्क करो, ये वो, कुछ हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क तुम्हें बस इतने करना है कि तुम्हें अपने माइंड को फील गुड करवाने के लिए जो भी हार्ड वर्क करना पड़े वो करो। दैट इज़ द ओनली हार्ड वर्क, राइट? आपको लगता है कि फील गुड कराने के लिए जो हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, बस वो हार्ड वर्क करो, बाकी तो अपने आप ही ऐसी चेन बनती जाती है ना विचारों की, कि लग्जरी, पैसा। आप नहीं सोचोगे, आप सोचोगे अरे हमें जॉब से ही पैसा आएगा, नहीं, कहीं से भी पैसा आ जाएगा, अचानक से लॉटरी लग जाएगी, कुछ भी इत्तेफाक हो जाएगा। मतलब कसम से यार, मैंने जब से ये जॉब और ये सब ज्वाइन किया ना, मतलब इतना फ्रीडम लगता है कि यार, मतलब हर चीज़ की फ्रीडम है। सॉलिड यार, इंसान को पैसा और फ्रीडम चुनना हो ना, तो फ्रीडम चुनना चाहिए हमेशा, क्योंकि फ्रीडम से क्या है कि आदमी जो है, फ्रीडम जब होगी उसके माइंड इतना अच्छा फील करेगा कि पैसा तो अपने आप ही आएगा। लोग क्या सोचते हैं कि हमें पैसे के पीछे भागना चाहिए, नहीं दोस्त, पैसे के पीछे नहीं, तुझे फ्रीडम के पीछे भाग, माइंड को अच्छा फील करवाने की तरफ भाग। पैसा वैसा, प्रॉपर्टीज, हेलीकॉप्टर, लग्जरी कार, सब कुछ बहुत आसानी से मिल रहा है और मिलता है यार, वाकई यही नियम है लाइफ का, मानना पड़ेगा। तो साला मर जाए आदमी की कमर टूट जाए, आदमी 20 साल सोचे कि मैं 20 साल किसी भी जॉब में, आईटी की जॉब में कमरे के अंदर बैठा बैठा मेरी ऐसी तैसी करवा लूँ और 20 साल बाद मैं ऐश करूँगा, तो 20 साल तो तू मर मर के ही जी रहा है, तेरा फील गुड फैक्टर है ही नहीं, फील गुड कर ही नहीं रहा है, तू बस एक काम की तरह चला रहा है उस चीज़ को, और फील गुड कर ही नहीं रहा है। और फील गुड करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको कोई लग्जरी चाहिए, ये भी आप फील गुड तो कैसे भी अच्छा महसूस कर सकते हो। मेरे हाथ पांव अच्छे हैं, शरीर अच्छा है, बहुत अच्छे माँ बाप मिले हैं, बहुत अच्छी सब कुछ फैमिली मिली है, इनसे भी फील गुड कर सकते हो आप ना। वो फील गुड, एक आपने एक विचार डाला तो उसके पीछे 10 अच्छे फील गुड करवाने के विचार, पैसा, लग्जरी सब आता है। देखते हैं साला लोग इतना पैसा कैसे बना लेते हैं। बहुत आसान है, सिंपल एक ही वर्ड है, फील गुड। अपनी बॉडी को अच्छा फील कराओ और बॉडी को टेम्पल की तरह मान के बॉडी का केयर करो। आप सबसे पहला जो बड़ा हथियार आपको भगवान ने दिया है वो ये बॉडी, इस बॉडी का केयर अगर अपन ने कर लिया तो ये फील गुड करेगा, और ये फील गुड करेगा तो पूरी दुनिया की चीज़ें आपके सामने आके भगवान पटक देंगे कि देखिए यार मैंने ये करोड़ों अरबों की सर को बॉडी दी है, तो इसी का ध्यान नहीं रख सकता, तो मैं आगे और लग्जरी क्या दूँ तेरे को सस्ती सस्ती वाली, तू तो ये करोड़ों की चीज़ का ही केयर नहीं कर पाते। इस करोड़ों की चीज़ बॉडी का अगर आपने केयर कर लिया तो जो है लाइफ में सारे आपको अच्छे मिल जाएंगे, हर चीज़, कहीं से भी पैसा आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये क्यों आया, वहाँ से बोनस मिल गया, यहाँ से मिल गया, कहीं से भी आप हो जाए, बस अपना काम करते रहो, जो कर रहे हो वो करो, कोई बदलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फील गुड फैक्टर करो। अगर काम में सही लग रहा है तो बदलो, फील गुड फैक्टर लाओ। आपकी कार सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़े पैसे जमा करो, कैसे भी करके उसको, कार को बदल दो, फील गुड हो जाएगा। तो जितना पैसा आपने कार को बदलने में लगाया था, करोड़ों उससे लाखों गुना आपको ऐसे ही भगवान दे देगा कहीं से भी। सो यार, सबसे बड़ा लॉजिक एक ही है, फील गुड, अपनी बॉडी और अपने माइंड को फील गुड करवाओ, वही सबसे बड़ा लॉजिक है यार। मैंने तो सोच नहीं सकता था, सच में कसम से शेयर करने लायक है।